सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, सावित्री तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, फूले तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, बाबा तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। चाहते हैं गवर्नमेंट से कि ईमानदारी से इस सेशन में इसका कानून लाओ, कानून के मुताबिक करो, शेड्यूल कास्ट का पैसा शेड्यूल कास्ट को ही मिले, शेड्यूल पैसा शेड्यूल ये भीख नहीं है, ये आपका हक है, ये माना गया है, लेकिन वो हक के मुताबिक नहीं चल रहा है, इसीलिए कानून चाहिए। आपके नाम का पैसा दुर्विनियोग हो रहा है, आपको मिल जाए तो आपका सूरत बदल जाएगा, आपके बच्चों का सूरत बदल जाएगा। जो पैसे हमारे विकास के लिए है, जो पैसे हमारा तरक्की के लिए है, वो चोरी करता है सरकार। तो हमें लगा कि जो भी पैसे हमारे हैं, हमारा अधिकार, हमारा जो आर्थिक अधिकार है, उसका हमें क्या क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हमें एक कानून चाहिए। उस कानून का हमारा मेन डिमांड है, हमारा मेन मांग है। 100 में 25 हक हमारा है मित्रों, ये हमारा भीख नहीं हम मांग रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। 100 में 25 100 में 25 100 में 25 ये देश में जो चंद लोग हैं जिनकी आबादी 10-15% के बीच में है, वो लोग घुमा फिरा करके किसी तरह से भी इस पर कब्जा करना चाहते हैं और कब्जा किए हुए हैं। हम लोग सिर्फ वोट देने तक सीमित रह गए हैं। ये सब हराम लोग जो ये बैठे हैं पदों पे, ये सारा का सारा बांट चूट के इधर उधर कर देते हैं, खा जाते हैं, हम लोगों तक नहीं पहुंच पाता। 100 में 50 ये जो 100 में 25 का मसला है, ये मनमोहन जी की जेब से पैसा नहीं मांग रहे हम, सोनिया जी के खाते से पैसे नहीं मांग रहे हम, राहुल गांधी की जेब नहीं काट रहे हम। ये जो पैसा भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड में हमारे टैक्सों से आता है, तो 100 में 85 चाहिए हमें, 25 नहीं। सरकार जब तक कानून नहीं बनाएगी, ना तो हम चैन से बैठेंगे और ना सरकार को चैन से बैठने देंगे। होने के वास्ते आज हमें यहाँ आंध्र प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, ऑल भारत देश में से, हर डिस्ट्रिक्ट से, हर स्टेट से यहाँ आ चुके हैं। So we all are here as citizens of India, joining our hands together. Sunset ko hilayenge, sunset ko hilayenge, sunset ko hilayenge.
हमारा अधिकार है, 100 में 25 हक हमारा आसानी से नहीं मिलने वाले। इसके लिए बहुत बड़ा लड़ाई लड़नी पड़े, संसद में, विधानसभा में, प्रदेश में, गांव में, तहसील में। हरियाणा से कौन आए? दलितों के से। हरियाणा से कौन आए? दलितों के से। कर्नाटक से कौन आए? दलितों के से।